नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमर मणि मिश्रा। ये हमारे बगल में जिसको आप देख रहे हैं, ये आजम खान साहब हैं। इनको तो आप जानते ही हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा। इनकी चर्चाएं भी आपने बहुत सुनी होंगी। कभी इससे पहले आपको बता दें एक चीज कि कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खान साहब का अभी बल गया नहीं, अकड़ वही, रुतबा भी वही दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं कि ये योगी सरकार है। अब उनका वो रुतबा, उनकी वो अकड़ जो गलत फहमी में पाल रखे थे, वो शायद अब नहीं चलने वाली है। कभी आजम खान की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता की वो हनक, कि उनकी भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरा पुलिस महकमा उस भैंस को खोजने में लगा देता था। कभी वो वहां के एसपी और डीएम को अपने घर के सामने चौकीदारी में लगा दिया करते थे, जूता उठवाते थे पुलिस वालों से। ये रुतबा था आजम खान साहब का। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो टीस, वो दर्द तो उनके सीने में जरूर होगा कि शायद आज वही लोग इनके बारे में या इनकी चीजों को अब उस तरीके से नहीं ले रहे। अब आजम खान साहब को ये समझ जाना चाहिए कि उनकी वो हनक नहीं है, ना वो उनकी सत्ता जिसका जैसे चाहें वो दुरुपयोग कर सकें। ऐसा ताजा मामला एक आया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, गाड़ी से उतरते हुए आजम खान साहब को इतनी मिर्ची लगी कि वो पहुंच गए सीओ साहब के पास और उनको याद दिलाने लगे कि अखिलेश ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है मेडल देके। तो वहीं सीओ साहब ने भी सुना दिया कि ये मेडल आपके एहसान से नहीं, ये हमारे मेहनत के बदौलत हुआ है। आप भी देखिए, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। आदमी जाएंगे आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा एहसान हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। हमसे हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई हम क्या कर सकते हैं। हम तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। या सरकार की इमेज को बहुत अच्छा बता रहे अभी आप लोग देख रहे थे आजम खान और सीओ साहब को।
और अभी देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमर मणि मिश्रा आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।